से जब रुख हमने कह ही दिया कि हम दुछाह कर रहे हैं तो राजनीति के अलावा कड़ा रुख क्या है? जब हम नहीं कहते हैं कि हम नहीं करेंगे या कोई विचार नहीं कर रही है सरकार, तब ना कड़ा रुख की बात है। लेकिन सर लोग इस पर राजनीति करना चाहे दैट इज डिफरेंट थिंग। हम तो कह रहे हैं कि जो उनके विचार थे, जो मैंने उनके साथ बैठकें की, सब लोग को सहमत हुए। अब सबके सहमति के बाद सबको निमंत्रण देके सब आए भी, और राज्य के हित का विषय है। और हम जब न कहते कि नहीं हम विचार नहीं करेंगे, तब ना कड़े रुख की बात होती है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि जब से नगर पालिका संशोधन विधेयक 2024 आया है, तब से मेयर, उपमेयर और पार्षदों का विरोध जारी है। बिहार के अन्य नगरों से ये विरोध देखने को मिला है। एक बार फिर से मेयरों का बैठक मौर्य होटल में नगर आयुक्त के साथ जो है थी, जिसमें 19 मेयरों ने इस बैठक को बाइकॉट किया है। इस बैठक में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और नगर विकास मंत्री नितिन नवीन भी शामिल थे। उसमें सीता साहू, मेयर सीता साहू का कहना है कि सरकार हम लोग की बातों को सुन नहीं रही है और ये लिखित किसी प्रकार का जो है उस पर संज्ञान नहीं ले रहा है। ये मौखिक बातें जो है सरकार की तरफ से कही जा रही है, हम लोग इस मौखिक बात को जो है लेकर किसी प्रकार से विचार नहीं करेंगे। और क्या कुछ कहते नज़र आ रहे हैं सीता साहू और अन्य मेयर, पहले आप इनका बयान सुने। जब रुख हमने कह ही दिया कि हम दुछाह कर रहे हैं तो राजनीति के अलावा कड़ा रुख क्या है? जब हम नहीं कहते हैं कि हम नहीं करेंगे या कोई विचार नहीं कर रही है सरकार, तब ना कड़ा रुख की बात है। लेकिन सर लोग इस पर राजनीति करना चाहे दैट इज डिफरेंट थिंग। हम तो कह रहे हैं कि जो उनके विचार थे, जो मैंने उनके साथ बैठकें की, सब लोग को सहमत हुए। अब सबके सहमति के बाद सबको निमंत्रण देके सब आए भी, और राज्य के हित का विषय है। और हम जब न कहते कि नहीं हम विचार नहीं करेंगे, तब ना कड़े रुख की बात होती है। हम तो कह रहे हैं कि हम विचार कर रहे हैं और समय आने पर इस पर निर्णय भी कर लेंगे। लेकिन आज के डेट में अगर आपको इसको राजनीतिक दृष्टि से देखना है, दिन की अलग थी। ठीक है, ठीक, थैंक यू। आसन से कुछ थोड़ी होता है, कुछ आसन का हम लोग कोई वैल्यू नहीं। आप लोग की बात नहीं, सरकार आसन से काम नहीं चलेगा। मौखिक मुख्यमंत्री से मुलाकात करने का कुछ आप लोग का चाहते हैं कि मुख्यमंत्री हस्तक्षेप करें? क्यों नहीं चाहेंगे? मुख्यमंत्री बिहार सूबे के मालिक हैं तो क्यों नहीं हस्तक्षेप करना चाहेंगे? हस्तक्षेप वो करें, कानून को वापस करें। हम लोग का अधिकार का अतिक्रमण किया जा रहा है, इसलिए विरोध कर रहे हैं। आज हम लोगों का मीटिंग हमारे होटल में था, तो नगर विभाग की तरफ से बुलाया गया था, तो हम लोग मीटिंग में शामिल होने के लिए आए हैं। लेकिन जो बिहार नगर पालिका 2024 का विधेयक जो गजट पास हुआ है, वो मेयर के हित में सरासर गलत है, क्योंकि हम लोगों को अधिकारियों के अधीन कर दिया गया है। जो भी अब काम होंगे नगर निगम में, अधिकारियों के द्वारा ही, मेयर का कोई पावर ही नहीं रह जाएगा। मतलब समझिए तो हम लोग जो है जनता के द्वारा चुने हुए सीधे तौर पर। मगर अभी डिप्टी सीएम तो कह रहे थे कि आप लोगों का पावर सीज नहीं होगा, पावर बढ़ेगा। उन्होंने कहा है, बट ऐसा हुआ था, ये कानून उनको हर जो उन्होंने विधेयक लाया है उसको वापस लेना ही पड़ेगा, हर हाल में उनको वापस करना। बहिष्कार करके जा रही है मैडम? जी जी, इस मीटिंग का हम सभी मेयर बहिष्कार करके जा रहे हैं। आज मौर्य होटल में मेयरों का नगर आयुक्त के साथ बैठक थी, जिसमें 19 मेयरों ने बाइकॉट किया इस बैठक को, और ये कहते नज़र आ रहे हैं कि सरकार किसी इस मुद्दे को लेकर संज्ञान नहीं ले रही है। ये मौखिक रूप से बातें कही जा रही है। अब जब तक लिखित रूप से इस पर सरकार संज्ञान नहीं लेगी, तब तक ये विरोध जारी रहेगा। इसी के साथ नगर विकास मंत्री नितिन नवीन का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये जो मेयरों की बाइकॉट है, मेयर बाइकॉट कर रहे हैं, ये एक प्रकार से राजनीति के एजेंडा है और राजनीति के तहत ये बाइकॉट कर रहे हैं। सरकार इस पर इस मामले को लेकर एक्टिव है और संज्ञान में ले रही है इस मामले को, और इस पर बातचीत करने के लिए सरकार तैयार है। लेकिन जिस तरह से मेयर बाइकॉट कर रही है, और ये एक प्रकार से राजनीति के एजेंडा है,
और हम लोग भी इस बैठक में आए थे ये लेकर के कि इस पर जो है बातचीत होगी, लेकिन मेयर जो है वो इस पर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है और हम लोग चाह रहे हैं कि इसके पावर को कम नहीं करके और भी बढ़ाया जाए। ये किसी प्रकार से मेयरों के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। ये कहते नज़र आ रहे हैं नीति नवीन, तो क्या कुछ कहते नज़र आ रहे हैं आपको मैंने सुनाया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।